Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महान और जीवित खुदा का धन्यवाद करें जिसने हम सबसे प्रेम किया और पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया और सुबह की रोशनी दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खा मा बा बा रा शिखा ना ला रा रा बा रा बा ना ला रा थी ना ला रा 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 बा 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 ना रा रा शिखा ना ला रा रा बा। मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जयजकार हो। मेरे पिता, इस समय में जितने भी तेरे करीब हैं उन सारे प्रिय भाई बहनों को, सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। और इस भोर के लिए, समय के लिए, नए जीवन के लिए, नए दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही है कि मैं और आप आज जीवित हैं और प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु ने हम सबको संभाला, रक्षा किया। उसने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खा मा बा बा रा शिखा ना ला रा 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 बा रा बा ना ला रा 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 थी ना ला रा रा बा। मेरे प्रियो, अपने घर से बाहर निकलने से पहले, अपने जॉब और बिजनेस में जाने से पहले, अपनी खेतीबाड़ी में जाने से पहले, अपनी नजरें खुदा की ओर उठाएं, अपनी नजरें पिता की ओर उठाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खा मा बा बा रा शिखा ना ला रा 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 बा 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 ना ला रा थी। प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, सचमुच में मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारी जो आशा है, हमारा जो मन है, प्रभु में लगना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब हमारा मन परमेश्वर की ओर है तो वो हमारी आशा को नहीं टूटने देगा, क्योंकि दाऊद ये भी कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वो हमारी आशा है, वो हमारी ताकत है, वो हमारा बल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अपना मन परमेश्वर की ओर उठाते हैं, वो हमारी आशा को कभी भी खोने नहीं देता, हमारी आशा को वो कभी भी टूटने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रा दा दा नला रा दा दा बा नला रबा। इसलिए दाऊद ये भी कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मैं तो परमेश्वर यहोवा का नाम लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मेरी आशा उसी से है और वो मेरी आशा कभी टूटने नहीं देता, मेरा भरोसा वो कभी भी तोड़ता नहीं है। इसलिए मैं चुपचाप होकर परमेश्वर में आशा लगाए हूं, परमेश्वर में मन लगाए हूं और मेरी आशा उसी से, इसलिए मैं अधिक ना डिगूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप जितने भी तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, चिंताओं में हैं, प्रभु पर आशा लगाइए। चुपचाप होकर, निसंदेह होकर, निसंदेह कोई संधि ना करे। मेरे प्रियो, अगर आप निसंदेह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। यदि आपके अंदर मन में विश्वास नहीं है, अगर आपके मन में संदेह है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप दाऊद के समान कह सकते हैं कि मैं सचमुच में परमेश्वर में मन लगाए हूं, मेरी आशा उसमें है, तो प्रभु आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदा बना ला रा दिना ला रा दबा। परमेश्वर पिता, जितने भी तेरे करीब हैं इस समय में, उन सारे प्रिय भाई बहनों को छू लीजिए और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए,
अभिषेक से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए। खामा बाबा रा शिखा ना ला राबा, राबा ना ला रा थी ना ला रा राबा। प्रभु यीशु आप छू लीजिए, प्रभु यीशु आप छू लीजिए और उन्हें अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सारे प्रियों के लिए जो पिता परमेश्वर तकलीफ में, मुसीबत में है, जिनकी आशा टूट चुकी है, जो पिता परमेश्वर घबराहट में है, जो चिंताओं में है, जो डिप्रेशन में है, जो मुश्किलों में है, जो मुसीबतों में है, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए और उनकी आशा कभी भी टूटने ना पाए। छू लीजिए मेरे खुदा, छू लीजिए पिता परमेश्वर। विशेष करके जिनके पास वंश नहीं है, संतान नहीं है, प्रभु उनकी आशा कभी टूटने ना पाए, उनका भरोसा कभी टूटने ना पाए। प्रभु उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे, पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, उनके जीवन से सारी परेशानियों को खत्म कीजिए, सब प्रकार की बीमारियों को खत्म कीजिए और वो उन्हें संतान प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उन्हें संतान प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु दया कीजिए। धन्यवाद यीशु, तुमने प्रार्थनाओं को सुना। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, उनकी सुधि लीजिए प्रभु, उनका विश्वास कभी भी टूटने ना पाए, उनका भरोसा कभी टूटने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद मेरे खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। विश्वास में आगे बढ़ते रहे मेरे प्रियो, विश्वास में मजबूत हो जाएं। प्रभु सचमुच में आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, वो आपका पिता है, वो आपका राजा है, वो आपका स्वामी है, वो आपका रक्षक है और वो आपका सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आज जितने भी बेरोजगार हैं उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी बेरोजगारी, उनकी चिंता, उनकी टेंशन, उनकी मुश्किलें, उनकी परेशानियाँ खत्म हो जाए। देश विदेश के लिए उनके लिए रास्ता खोल दे प्रभु, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे मेरे खुदा। प्रभु यीशु के नाम से जिन्होंने जो भी डिग्रियाँ की प्रभु, उनकी डिग्रियों के अनुसार प्रभु उन्हें जॉब लगने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लगने के लिए प्रार्थना करता हूँ। देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी अभी तक स्टूडेंट्स हैं प्रभु, कॉलेजेस और स्कूल्स के प्रभु, उन्हें टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए, उनका सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु आशीषित कीजिए। जिन्होंने भी एग्जाम और इंटरव्यू दिया पिछले दिनों में प्रभु यीशु के नाम से उनका सिलेक्शन लेटर आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते मेरे खुदा, उन्हें तो आशीषित कर। हमारे किसान भाई बहनों को ब्लेस कीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनकी फसलों को नष्ट होने से बचाना प्रभु। परमेश्वर पिता उनकी गरीबी, उनके कंगालपन, उनके कर्ज, उनके चिंताएं खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जॉब और बिजनेस करते हैं उनका जॉब और बिजनेस में प्रमोशन का ब्लेसिंग कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। और जो घर बना रहे प्रभु उनका घर कंप्लीट हो, कंप्लीट हो, कंप्लीट हो, पैसे कौड़ी से तू पिता परमेश्वर है आशीषित कीजिए। धन्यवाद मेरे यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। आज बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में हैं, गंभीर हालत में हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं, प्रभु उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, छूकर चंगाई दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे प्रिय। हो सकता है आपके परिवार में कोई बीमार हो सकता है बुखार हो सकता है पेट दर्द हो सकता है कमर दर्द हो, और जो भी आपके शरीर में, आपके परिवार के जीवन में या आपके रिश्तेदारों में जो भी है प्रभु के करीब लेकर आइए, उन्हें प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए बोलिए, प्रभु उनको चंगाई देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपके जीवन से बीमारियों को खत्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद खुदा, तूने छुआ, चंगाई दिया। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से चंगाई दे। HIV एड्स से जो ग्रसित है, शुगर से, ओ मंड मलेरिया से, बुखार से, या थायराइड से, ब्रेन हेमरेज से, कैंसर से, शुगर से, जो भी ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम में उठाकर खड़ा कीजिए। जितने भी गंभीर हालत में उन्हें भी उठाकर खड़ा कीजिए। आईसीयू और कोमा से तू बाहर निकाल और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दे, पूरी रीति से छुटकारा दे प्रभु यीशु के नाम से। हड्डी नस नस को छू लीजिए, हड्डी नस नस को छू लीजिए और उनके टखनों में, घुटनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु के नाम से गवाही के रूप में खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु। जितने भी गलत संगति में हैं, गलत राहों में हैं प्रभु यीशु के नाम से, उनके पिता परमेश्वर गलत संगति छूट जाए, गलत
खान पीन छूट जाए, नशा छूट जाए, लड़ाई झगड़े करने की लत छूट जाए, सब प्रकार की बुरी आदतें छूट निकले। प्रार्थना करते पति पत्नी एक साथ रहे और जो अलग अलग है प्रभु उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए, वो एक साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने वाले बन जाए। हर एक लोगों को आशीष दे, पति पत्नियों को आशीष दे, जितने भी जवान शादी लायक हैं प्रभु उनके बाद हैं, उनके रुकावटें खत्म हो जाए। समय पर पिता परमेश्वर जोड़ा तैयार कीजिए और आशीषित कीजिए। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं तेरे दास और दासियों को छुड़ा लीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए मेरे खुदा। और पिता दुनिया के कोने कोने में तेरा यश फैल जाए, दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन फैल जाए, इस भारत देश को अंधकार की शक्तियों से बचा ले, इस भारत देश को पिता परमेश्वर बर्बाद होने से बचा ले, इस भारत देश को नर्क की आग से बचा ले, इन भारत देश में दुनिया के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में तेरा वचन पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दासों को तैयार कर, तेरे लोगों को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, गली गली में तेरा नाम होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रिय विश्वास करें, प्रभु आपकी आशा कभी ना टूटने देगा। विश्वास में बढ़ते रहें, प्रार्थनाओं में बढ़ते रहें। सबको जय मसीह की।